नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजकुमार गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान की खोज के बारे में बताऊंगा। कहानी को अंत तक सुनिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजकुमार सिद्धार्थ एक सुखी जीवन व्यतीत किया करते थे और उनके पास वह सब कुछ था जो एक राजकुमार के पास होना चाहिए, जैसे कि भव्य महल, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के अनगिनत साधन। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी बेचैनी थी। उन्हें दुनिया के दुःख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकलने का अवसर पाकर उन्होंने पहली बार दुःख, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु का साक्षात्कार किया। यह उनके लिए एक गहरा सदमा था। उन्होंने महसूस किया कि इन दुखों से कोई भी छूटा नहीं है, चाहे वह राजा हो या प्रजा। इस अनुभव उन्हें दुखी कर दिया और उन्होंने राजपाट त्यागने और इन दुखों का कारण जानने का प्रण लिया। उन्होंने वैभवपूर्ण जीवन छोड़ दिया और एक साधारण साधु का जीवन अपना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया और कठोर तपस्या की। उन्होंने गहरे ध्यान में बैठकर जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। आखिरकार एक रात बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते समय उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई और वह बुद्ध बन गए। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को दुखों से मुक्ति का मार्ग सिखाने में लगा दिया। उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सिख गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने में मिलती है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और सहानुभूति के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।